ये है सुआ पालक का साग, तो बहुत मस्त लगता है। मसाला चीनी डाल देंगे, बहुत ही ज्यादा मसाले वाली दाल। चावल बन गया, चोखा लग गया, अभी देखते हैं हल्का हल्का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग हो गई, मैंने अपना ब्लॉगिंग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया। तो आज कल मेरी तब बहुत अच्छी खासी धूप हुई थी, आज फिर से वही हाल है, ठंड बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम जा रहे हैं उड़द पालक की दाल बनाने देसी तरीके से, और रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नाश्ते में क्या बनाएंगे वो भी शेयर करेंगे। तो गाइस, वीडियो बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वीडियो का स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए कल हुई थी धूप इतनी अच्छी खासी, और आज तो फिर से भी वही ठंडी का हाल हो गया। इतना ही ज़्यादा ठंडी आज है फिर से कि दिमाग ही ख़राब हो गया। हमें लगा फिर से धूप होगी, अच्छी अच्छी रेसिपी हम लाएंगे आप लोगों के लिए। इतने ठंड में कुछ किया भी नहीं जा रहा है, ना ही ब्लॉगिंग अच्छे से की जा रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। बहुत ही भयानक वाली फिर से ठंड पड़ ली, और ठंड तो है ही, देखिए हवा चल रही है कितनी तेज। इधर है गाय, छाटी पानी खा रही है। आप लोग का कमेंट आ रहा था इसको कुछ उड़ा दीजिए, क्या उड़ा है हम इसको, कुछ भी हम लोग उड़ाते हैं तो उतार के दांत से खींच के गिरा देती है। फिर इसके रूम में हम लोग थोड़ा आग उग रात में जला के रखते हैं, तब जाके थोड़ी मतलब अंदर नीचे पुआल वाल बिछाते हैं, तब बैठती है आराम से। क्यों जी, बोलोगी? सुन रही है दोस्तों, बोलेगी नहीं। इधर देखिए फिर से आग जल गया, फिर आग ताप रहे लोग, डाली नहा धो पूजा कर लिए, सब लोग नहा वहा फ्रेश हो गए हैं और आग के पास बैठ गए हैं। तो देखिए इधर आग के पास बैठ के लाई खा रहे हैं लोग, तो उसके बाद से जब चलेंगे खाना वाना बनाएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ठंड में, उठते उठते सुबह मालूम ही नहीं देती है। अगर अम्मी बात करिए, किससे बात करिए जी? डाली मौसी। कौन सी मौसी है? छोटी वाली मौसी से बात कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए दोस्तों, इधर मम्मी आ गई है पालक का दाल पालक को तोड़ने। तो अभी आज पालक की दाल बनने वाली है, तो इधर पालक को भी तोड़ लेती है, और इधर डाली कर रही है दाल साफ। किस चीज का दाल है डाली? उड़द का दाल है, ये काली वाली उड़द का दाल है। तो इसका और पालक का दाल बनेगा, अभी फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं, तो इसको साफ कर लेती है पहले। क्यों जी डाली, धुआं लग रहा है का? आग जलेगा तो धुआं तो होगा ही ना। आज धूप तो लग रहा है कि अब नहीं होगा, हमें लगा 12 बजे के बाद हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी लग रहा है अब। इधर रख दिया आलू बॉयल होने के लिए, चोखा बनाएंगे इसका आलू टमाटर का। तो इधर अभी मसाला पीस लेती है डॉली। मसाला में क्या क्या है? गरम मसाला, लहसुन, मिर्चा, अदरक। इधर हो गया है तेल गरम, इधर रख दिए चाय। तो आज नाश्ते में चल रहा है, बना लेते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो ये है चावल का भूजा, इसको हम भूज लेते हैं। तो इधर अभी मम्मी साग को धुल लेती है साफ से। किस चीज़ का साग है मम्मी? सोया पालक। सोया पालक का साग उड़द के दाल में बनाया। तो अभी मम्मी साग को काटने लग गई है बारीक बारीक। सोया पालक का साग तो बहुत मस्त लगता है खाने में, सब साग से ही अलग साग होता है। उड़द के दाल में पड़ेगा। अच्छा, तो अभी मम्मी इधर साग काट रही है, और इधर दीदी क्या कर रही हो जी? दाल धो रहे हैं। दाल किस चीज का दाल? उड़द का। अच्छा, यही उड़द का दाल है। हाँ। दाल को दीदी धुल रही है, और मौसम तो एकदम खराब हो चुकी है दोस्तों, धूप कोई नाम ही नहीं ले रहा है निकलने का। अभी कल धूप हुआ था, आज एकदम कड़ाके की ठंड पड़ गई। और दीदी इधर क्या कर रही हो तुम? चावल धुल रहे हैं, अभी चावल दाल रख देंगे, बनेगा तो तखन नाश्ता भी कर लेंगे, लेट बहुत ज्यादा हो गई है, धूप ना होने की वजह से जैसे लग रहा था अभी सुबह ही है। फटाफट खाना बना लेते हैं पहले। तो इधर हम उड़द की दाल को धुल लिए अच्छे से, अब इसमें हम डाल देंगे पालक। और अभी तक हम चना और अरहर में बनाए थे, फर्स्ट टाइम बनाए थे उड़द में, और इसमें डाल देंगे हम हल्दी, नमक टेस्ट के अनुसार, और ये पिसा हुआ मसाला चीनी डाल देंगे, बहुत ही ज़्यादा मसाले वाली दाल अच्छी लगती है। और इसमें हम डाल देंगे तेल, और लास्ट में लगाएंगे इसमें तड़का हम। तो इधर हम
चावल को रख देते हैं, इधर दाल बना लेते हैं। तो अभी नाश्ता बन गया है, तो चलते हैं पहले नाश्ता करते हैं। ये दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया है, दोपहर नहीं मतलब सुबह के 11 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है सोते उठते ही। तो अभी सब लोग चाय पी रहे हैं, खाना रख दिए बनने के लिए, अभी चाय पी लेंगे फिर चलेंगे। हम लोग तड़का लगाएंगे दाल में और खाना वाना खाएंगे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा कि बाहर बैठने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आप लोग कहते हैं आप लोग अंदर क्यों नहीं खाते, अंदर कैसे खाएं, अंदर आग नहीं जला सकते धुएं की वजह से। तो कैसे लग रहा है जी चाय पी के सुबह सुबह आग के पास? देखिए दोस्तों आग कितना भयानक जल रहा है, बहुत बढ़िया। और तभी हम भी चलते हैं चाय पी लेते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। A few minutes later. तो देखिए दोस्तों इधर उड़द और पालक की दाल बनके रेडी हो गई है, अभी तड़का लगाना है बस। और ये सब क्या है? और ये दाल में तड़के के लिए पड़ेगा, बाकी सारा मसाले इसमें डाले हैं, बस लहसुन का तड़का लगाएंगे, टमाटर डालेंगे, उधर चोखा बनेगा आलू का। अच्छा। इधर हम तेल में डालेंगे लहसुन, सूखा मिर्चा, टमाटर भी अच्छे से भून लिए हैं, और फिर हम लगाएंगे दाल का तड़का। कितने देर में बन जाएगा? बस एक उबाल आएगा, दाल कंप्लीट हो गया, अब चोखा लगा लेते हैं। तो इधर लहसुन मिर्चा धनिया नमक पीस लेती है। इधर हम चोखा बना लेते हैं दोस्तों, आलू ठंडा हो गया तो टाइट हो गया है, और दाल भी बन गया, साथ चावल भी बन गया, चोखा लग गया। अभी देखते हैं हल्का हल्का धूप निकलने लगा है, हल्का हल्का धूप निकल रहा है, अभी अभी अच्छे से धूप तनी निकल जाए तब छत पे खाना खाएंगे। छत पे खाना खाने में मजा आ जा रहा है, क्योंकि मेरे आंगन में इतना पेड़ है कि आंगन में छाया आ जा रहा है और छत पे धूप लग रहा है। तो देखिए दोस्तों इधर पालक और पालक उड़द का दाल तैयार है, अभी फटाफट खाना निकाल देते हैं। खाना भी सबके लिए लग गया है, खाना सबके लिए लग गया है, धूप हो रहा है, निकल रहा है हल्की सी, फिर डूब जा रही है। इधर फटाफट चोखा निकाल लेते हैं दोस्तों सबके लिए। दोस्तों खाना निकाल दिया सबके लिए फटाफट, तो सब लोग बैठ गए आग के पास ही खाना खाने। तो इधर देखिए दाल चावल साग रोटी बना है, सब लोग खाना खा रहे हैं, दोपहर का टाइम हो गया है। तो इधर दाल चावल चोखा रोटी, सही अनूप? अरे कभी कभी गड़बड़ हो जाता है जी, तुम समझते नहीं हो। देखिए दोस्तों आप लोग बोले थे उड़द दाल में बनाइएगा, उड़द दाल में हमने बनाया है पालक की दाल, ऐसे सेम बथुआ का दाल भी बन सकता है, बस पालक की जगह बथुआ रख लीजिए और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, तो देसी दाल का तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। किधर अनूप दाल चावल खा रहा है, ठंड में तो जो बथुआ का पालक का दाल होता है मज़ा ही आ जाता है, क्यों अनूप? कैसा लग रहा अनूप खाना? अरे बड़ी गजब हुआ है, बहुत मस्त। अम्मी कैसा लग रहा तुमको खाना? डाली यार तुम खा के बताओ, तुम कैसा लगा डाली? बहुत मस्त। और अनु तो खा ही रहा है दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए अनु के साथ बैठ के खा लीजिए खाना। तो दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, हम भी चलते हैं फटाफट खाना खाते हैं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा, ठंड बहुत तेज़ है। तो बाय बाय।